लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक बोगस तेल बिक्री का मामला सामने आया है, जहां आरोपी दुकानदार नामांकित तेल कंपनियों के लेबल लगाकर दुगने दामों में बेचता था। गौरतलब है कि आरोपी 64 वर्षीय लकड़गंज मॉल फैक्ट्री संभाग निवासी वासुदेव टोलाराम खंडवानी पिछले कई सालों से इतवारी के तेरीपुरा क्षेत्र में लक्ष्मी ऑयल स्टोर नाम से दुकान चलाता है, जिस परिप्रेक्ष्य में नामांकित तेल कंपनी किंग्स एवं फॉर्चून द्वारा आईपी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के अनुप संभाजी कोलम सीनियर इन्वेस्टिगेट और पुरुषोत्तम सुरेश महाजन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा लकड़गंज पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी कि वासुदेव अपनी दुकान में किंग्स और फॉर्चून के लेबल लगाकर डिब्बों में लोकल तेल बेच रहे हैं, जिसके संज्ञान पर जब लकड़गंज पुलिस ने लक्ष्मी ऑयल शॉप पर छापेमारी की तो यह पूरा गोरख धंधा पुलिस की नजरों में आया। दरअसल आरोपी टीम के खाली डिब्बे खरीदकर उसमें निम्न गुणवत्ता वाला तेल भरकर बेचता था। जांच कार्रवाई में पुलिस को 73 ऑयल पैक डिब्बे, 123 खाली डिब्बे, वजन काटा, लेबल पैकिंग मशीन, ऐसा कुल मिलाकर 1,53,700 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी वासुदेव खंडवानी समेत उसके दो साथी 45 वर्षीय मोरेश्वर घुमड़े और 69 वर्षीय अतुल रायचुरा को भी गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पुलिस करी है। काल दुपारी पोलिस स्टेशन लकड़गंज येथे तेलीपुरा येथे इतवारी तेलीपुरा येथे लक्ष्मी ऑइल स्टोरेजचा मालक वासुदेव खंडानी हा फॉर्च्यून आणि किंग कंपनीचे खाद्यतेलाचे बनावट स्टिकर बनवून ते लोकल तेलाचे डब्बे जे असतात त्याच्यात लोकल तेल भरून 15 लिटरचे त्याला या कंपनीचे फॉर्च्यून आणि किंग्स कंपनीचे खाद्यतेलाचे बनावट स्टिकर लावून विक्री पॅकिंग लेबलिंग करून विक्री करत आहे अशी माहिती मिळाली। अशी तक्रार घेऊन ते कंपनीने जे पाठवले दोन कर्मचारी आले होते, मग त्या माहितीवरून ते कर्मचारी दोन पंच आणि पोलीस अधिकारी यांना पाठवून तिथं रेड केले असता वासुदेव खंडानी हा त्याच्या लक्ष्मी ऑइल स्टोरमध्ये 15 लिटरच्या टिनाच्या डब्यामध्ये लोकल तेल भरून त्याला किंग्स आणि फॉर्च्यून कंपनीचे जे बनाव स्टिकर आहे ते लावून त्याला पॅकिंग लेबलिंग करून त्याच्या दुकानातून आले। त्याच्या दुकानातून आपण 73 तेलाचे डबे जप्त केलेले, म्हणजे तेल भरलेले पॅक केलेले, त्याच्यामध्ये किंग्स आणि फॉर्च्यून कंपनीचे स्टिकर लावलेले होते बनाव स्टिकर, आणि 123 रिकामे तीन डबे 15 लिटरचे टिनाचे डबे, म्हणजे तो त्यात पण भरून विक्री करण्याचे तयार होत होता। आणि सीलिंग लेबलिंगचं असं पॅकिंगचं साहित्य असं 1,53,700 रुपयाचं आपण साहित्य त्या दुकानातून जप्त केलेलं आहे आणि त्याच्यासोबत दोन कामगार होते, ते कामगार आणि त्याला काल अटक केलेली होती आपण आणि त्याच्यामध्ये मुद्देमाल सर्व जप्त केलेला आहे। आणि नागरिकांनी असं खाद्यतेल किंवा इतर कुठल्याही वस्तू ब्रँडेज घेताना तर ते त्याच कंपनीच्या आहेत याची खात्री करून घ्यावी, आजकाल असं बनावटपणा खूप जास्त प्रमाणात होत आहे तर नागरिकांनी याची दक्षता घ्यावी। बहरहाल जब बीसीएन की टीम छापेमारी की जगह पर निरीक्षण हेतु पहुंची तो उस कार्यवाही के बावजूद वहां बड़ी मात्रा में तेल के डिब्बे पाए गए और दुकानदार का कहना है कि वह कार्यवाही पुरानी है। हालांकि यह कार्यवाही कल की ही है और आज दुकान पूर्ववत चली है, जिससे लकड़गंज पुलिस की पारदर्शिता और कार्य क्षमता पर सवालिया निशान उपस्थित हो रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।